मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। एक छोरी जो took down a military convoy. कहा थे तुम एक नई राह पर, वो जाल बिछा चुके हैं इसलिए अब पीछे नहीं हट सकते। फिल्म थिएटर ने ली अपराधी की जान। July 21, 1934 के दोपहर में एक औरत ने बताया कि वो कुछ पैसों के लिए डिलिंगर का पता FBI को दे सकती है। उस औरत ने अपना नाम एना सेज बताया। एना के मुताबिक डिलिंगर पॉली हैमिल्टन नाम की एक लड़की के साथ कल शाम को मूवी देखने जाने वाला था। असल में एना ने यह भी बताया कि वो ऑरेंज कलर के ड्रेस में रहेगी, जिससे FBI को उसे पहचानने में आसानी होगी। एजेंट मेलविन ने स्पेशल एजेंट सैमुअल को फोन कर जानकारी दी कि डिलिंगर बायोग्राफ थिएटर में मौजूद है, जिस वजह से सारे एजेंट्स और पुलिस ऑफिसर मार्बो थिएटर से सीधे बायोग्राफ थिएटर पहुंच गए। स्पेशल एजेंट सैमुअल ने FBI के डायरेक्टर एडगर को भी फोन कर मामले की सूचना दी। एडगर ने सैमुअल से कहा कि भीड़ से भरे थिएटर में आम लोगों की जान को रिस्क में डालने से अच्छा उन्हें बाहर ही वेट कर लेना चाहिए। इसके बाद सभी एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि उन्हें बिना मतलब के खुद की जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। रात करीब 10:30 बजे एना, डिलिंगर और पॉली थिएटर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के जैसे ही वो मुड़ते हैं, वैसे ही साइड में खड़ा एजेंट मेलविन अपनी सिगार को जला देता है। ये एक तरह का सिग्नल था ताकि बाकी के एजेंट्स अंदर आ जाए। डिलिंगर समझ चुका था कि आखिर मामला क्या है। अब डिलिंगर काफी सावधानी से काम ले रहा था। वो धीरे से अपने पैंट से पिस्टल निकालता है और तुरंत गली की ओर भागने लगता है। FBI एजेंट्स के गन से पीछे से 5 शॉट्स फायर किए गए, जिसमें से 3 डिलिंगर को गोली लगे और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। 22 जुलाई 1934 की रात करीब 10:50 पर डिलिंगर को पास के ही एक हॉस्पिटल में डेड अनाउंस कर दिया गया। 27 नवंबर 1934 को बेबी फेस नेल्सन FBI एजेंट्स के साथ गन फाइट में बुरी तरह घायल हो गया था। वहीं इस फाइट में स्पेशल एजेंट सैमुअल और एजेंट हॉलिस मारे गए। एजेंट हॉलिस उन्हीं 3 एजेंट्स में से एक थे जिन्होंने डिलिंगर पे गोली चलाई थी। तो ये थी फेमस बैंक रॉबर जॉन डिलिंगर की कहानी, जिसने अपनी जिंदगी में 30 से ऊपर बैंक्स को लूटा था। डिलिंगर के कई ऐसे साथी थे जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे। धूम 4 की कहानी की अगर हम बात करें तो डिलिंगर जैसे एक खतरनाक क्रिमिनल फिल्म में शामिल होते ही इंस्पेक्टर दीक्षित के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस कहानी में अगर धूम का मेन कैरेक्टर डिलिंगर की तरह चालाक बैंक रॉबर हुआ तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, क्योंकि ऐसी कहानी में गैंगस्टर्स के साथ पुलिस ऑफिसर्स का भी मर्डर होगा, गन फाइट्स होगी और खूब सारा एक्शन होगा। ये एक ऐसी नई कहानी साबित हो सकती है जिसे धूम फ्रेंचाइजी के दर्शक देखना पसंद करेंगे।